फ्रेंड्स, संतोष किचन में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक लाजवाब रेसिपी। तो देखिए, शकरकंदी का बनाते हैं हलवा। आप सोच रहे हो शकरकंदी का हलवा बनता है, हाँ टेस्टी सा। तो शकरकंदी में कई चीज़ पाई जाती है, तो इसलिए क्यों नहीं इसका हलवा बना लेते हैं हम। बच्चे वैसे खाएंगे नहीं तो हलवे में खा सकते हैं। तो इसको कद्दूकस कर लेती हूँ मैं छील के। तो देखिए, शकरकंदी को हमने कद्दूकस कर लिया छील के। अब इसको रख देते हैं साइड में। और हमारे को हलवा बनाना है लोहे की कढ़ाई में। तो कभी कभी लोहे की कढ़ाई में आयरन मिलता है, तो इसलिए ये हलवा टेस्टी भी बनता है लोहे की कढ़ाई में। तो आज क्यों नहीं लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें हम। तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच देसी घी। घी कम रहेगा तो बाद में भी गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है घी में। घी को कर लेते हैं मेल्ट। इसमें डाल देंगे कद्दूकस करी हुई शकरकंदी। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसको मीडियम गैस पे मैं 5-6 मिनट तक भुनाई करूंगी, 5-6 मिनट तक। तो इसको देखिए 5-6 मिनट हो गई, तो शकरकंदी अच्छे से पक गई। इसका कलर भी चेंज हो गया, आप देख सकते हो। तो हमारे को चाहिए फुल क्रीम दूध, तो मैंने 1 गिलास दूध लिया है, ये फुल क्रीम मलाई। आप इसमें मलाई भी यूज में कर सकते हो फेंट के। तो देखिए, इसको 5 मिनट तक मीडियम गैस पे पकाएंगे। गैस को बिल्कुल हाई नहीं करना हमारे को, इसको पकने देते हैं अच्छे से। तो देखिए, इसमें जाएगा चीनी। चीनी आप आपके हिसाब से डाल सकते हो कम ज्यादा। इसको भी अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। हलवा बनके तैयार हो गया। इसमें डाल देते हैं इलायची, ये मैंने पीस लिया इलायची को। ये डालते हैं बादाम की टुकड़ी। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो हलवा हमारा बनके तैयार हो गया, आप देख सकते हो। इसमें जाएगा थोड़ा सा घी, 1/2 चम्मच ये मैंने घी डाल दिया इसमें। और इसको भी कर लेते हैं मिक्स। तो हलवा बनके रेडी हो गया, आप सर्व कर सकते हो इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो कैसा लगा आपको तो मेरे को एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नई नई रेसिपी के साथ मिल सके। तो आज के लिए थैंक यू।